हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 18 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाले वीडियो का लिंक्स शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है एम फंक्शन ऑफ एम इन द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एम के साथ डी एक्स होता है। बैकग्राउंड में अगर साउंड आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो ये हम हमेशा देखना, जो डी एक्स के साथ जो भी फंक्शन होता है ना उसको हम लोग एम लेते हैं, और जो डी वाई के साथ जो भी फंक्शन होता है ना उसको एन लेते हैं। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो m रहता है ना उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n रहता है उसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ जाती तो हम बोलेंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। और अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉट एग्जैक्ट है। तो अगर हमारा इफ़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज एग्जैक्ट देन इट्स सॉल्यूशन कैन बी फाइंड। अगर हमारा कोई भी गिवन सॉल्यूशन अगर एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट हम लोग पता कर लेंगे ये वाला मेथड सॉल्व करके, फिर अगर वो एग्जैक्ट है तभी उसकी सॉल्यूशन निकाली जा सकती है। तो उसका जो सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वेयर वाई का जो भी टर्म रहेगा उसको कॉन्स्टेंट लिया जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई। और इसमें क्या लेना है, n में वहाँ पे ऐसे टर्म्स लेने हैं जिसमें x का टर्म ना हो। dy वाई इज इक्वल टू सी। तो अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जैक्ट होगा, जिसको डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, मतलब डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। हम लोग ऐसा एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोग नॉट एग्जैक्ट वाला भी क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 + 4xy + 2y² dx प्लस 1 + 4xy + 2x² dy = 0। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो dx का जो फंक्शन रहता है, dx के पहले जो फंक्शन रहता है उसको हम लोग m लेंगे, और जो dy के जो पहले रहता है उसको n लेंगे। तो ये हमारी m की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 4xy + 2y² और n की वैल्यू हो गई 1 + 4xy + 2x². तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये m है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फाइंड करने के लिए इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ जो y वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो अनदर वेरिएबल जैसे यहाँ पे x प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो 1 का क्या होगा, 1 का होता है 0, तो यहाँ पे 0। 4xy, तो 4x को हम लोगों ने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो 4x हुआ। और ये 2y² का आएगा 4y। वैसे हम लोग n का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको 1 + 4, 1 का हो जाएगा 0, 4xy का 4y हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 2x² का हो जाएगा 4x। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आ रही है 4x + 4y, डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू भी आ रही है 4y + 4x। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अब हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट रहेगा तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बोले ना। तो हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट आ गया तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, यहाँ पे वाई जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, जो एक्स है जो ऐसे टर्म्स ही लेंगे जिसमें एक्स ना हो। तो हमारी n की वैल्यू क्या थी, 1 + 4x + xy + 2y² और n की वैल्यू थी 1 + 4xy + 2x². तो हम लोगों ने यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दिए, और n की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें x का टर्म ना हो। तो ये इसमें x का टर्म नहीं है 1 में, फिर 4xy में x का टर्म है तो हम लोग 4xy को नहीं लेंगे, 2x² में भी x का टर्म है तो हम लोग 2x² को भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सिर्फ 1 लिया, dy इज इक्वल्स टू c। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 4xy का इंटीग्रेशन होगा मित्र डी एक्स से कर रहे हैं ना, तो y को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 4y² / 2 + 2y² x + y = c। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 4 कैंसिल होके 2x² y + 2y² x + y = c आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग x प्लस वाई को एक साथ लिख दिए हैं, यहाँ से 2xy को कॉमन लेके x प्लस वाई लिख लिए हैं, तो x प्लस वाई को हम लोगों ने दोनों टर्म से कॉमन लेके क्या लिखा है, 2xy + 1 = c। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx + ax + hy + g / hx + by + f। तो
क्या किया हम लोगों ने, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. हम लोग का जो फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, उस फॉर्म में पहले बनाएंगे. तो क्या किया हम लोगों ने, ये वाला जो था इस टर्म को हम लोगों ने इधर लेके चले गए, तो यहाँ पे माइनस आ गया. फिर हम लोगों ने ये जो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ है उसको इधर लेके आ गए और ये डी एक्स को इधर लेके चले गए. तो ये कुछ हमारा इक्वेशन इस तरह से बन गया. अब हम इसे इस साइड लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने आपको बताया था कि जो डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम लोग एम लेते हैं और जो डी वाई का होता है उसे एन लेते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना एम और एन का जो वैल्यू था उसे लिख लिया. फिर हम लोगों ने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा वैल्यू क्या आया एच. वैसे हम लोगों ने एन का किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा वैल्यू आया एच. ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं, हमारा डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स आया. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स. तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. तो हमारी जो एम की वैल्यू थी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स उसे हम लोगों ने पुट कर दिया, और एन का इसमें जो एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए बी वाई प्लस एफ, ये हमारा एन का हो गया. तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया. तो हमारा जो आंसर है सॉल्व कर लेने के बाद आया ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई माइनस टू सी इज इक्वल्स टू जीरो. ये हमारा आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई ब्रैकेट में वन माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो. सो डी एक्स का कोएफिशिएंट हम लोगों ने एम ले लिया, डी वाई का कोएफिशिएंट हम लोगों ने एन ले लिया, दोनों का पार्शियल डेरिवेट किया एम का वाई के रिस्पेक्ट में किया. तो हमारा आया आंसर वन का किए तो हमारा आया वन, मतलब वन का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो आ जाएगा. ई टू द पावर एक्स बाय वाई का करेंगे ई टू द पावर एक्स बाय वाई ही आएगा, और एक्स बाय वाई का करेंगे चेन रूल लगा के तो हमारा एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, वाई का करेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई टू द पावर माइनस टू. तो ये हमारा हो गया डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू. वैसे ही हम लोग डेल एन बाय डेल एक्स का निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ई टू द पावर एक्स बाय वाई वन बाय वाई का हो जाएगा जीरो. कांस्टेंट का क्या होता है जीरो होता है, नहीं वन का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. एक्स बाय वाई का क्या हो जाएगा वन बाय वाई, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वन बाय वाई हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. प्लस अब इसको हम लोग वन माइनस एक्स बाय वाई को कांस्टेंट को रखेंगे और ई टू द पावर एक्स बाय वाई का करेंगे. फिर इसको सॉल्व कर लेने के बाद हमारे ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे हमको क्या मिलेगा माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स बाय वाई बाय वाई स्क्वायर. तो हमारा डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई की वैल्यू भी वही आई थी, डेल्टा एम बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू यही आई है. तो दोनों वैल्यू इक्वल है तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी. तो हमारा एम का वैल्यू क्या था वन प्लस ई टू द पावर एक्स बाय वाई डी एक्स प्लस एन की वैल्यू जो थी उसमें हमारी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें एक्स का टर्म ना हो. यहाँ पे भी एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी एक्स का टर्म है, तो हम लोग एन यहाँ पे क्या ले लेंगे जीरो ले लेंगे. सो इसको इंटीग्रेट करने पे आएगा वन का इंटीग्रेशन करने पे आएगा एक्स, ई टू द पावर एक्स बाय वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स बाय वाई का ई टू द पावर एक्स बाय वाई ही आएगा, और एक्स बाय वाई का करेंगे तो वन बाय वाई आएगा इज इक्वल टू सी. तो ये हमारा हो गया आंसर. तो हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे इक्वेशंस करेंगे जिसके डेल्टा एम बाय डेल्टा वाई और डेल्टा एम बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, मतलब वो नॉट एग्जैक्ट होगी. तो उसको हम लोग फिर एग्जैक्ट बना के उसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ. तो आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़िए एंड जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए. मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.